स्वाइन फ्लू की बात कर लेते हैं, जहां स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप पर सीएम अशोक गहलोत चिंतित हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की देर रात बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक, स्वाइन फ्लू की जागरूकता के लिए अभियान चलाने के निर्देश, ग्रामीण स्तर तक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। जिन जिलों में सामने आ रहे सर्वाधिक स्वाइन फ्लू के केस, SMS मेडिकल कॉलेज से विशेष टीमें जाएंगी इन इलाकों में, स्थानीय मेडिकल टीमों के साथ समन्वय स्थापित करेगी ये टीमें। तो फिलहाल अलर्ट है राज्य सरकार स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को लेकर। अगर सीएम गहलोत की बात करें तो उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने कल रात में की और स्वाइन फ्लू की जागरूकता के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए, ग्रामीण स्तर तक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश मिले हैं। जिन जिलों में सामने आ रहे सर्वाधिक स्वाइन फ्लू के केस, वहाँ पे SMS की मेडिकल कॉलेज से टीमें भेजी जानी हैं और वहाँ पे स्थानीय मेडिकल टीमों के साथ समन्वय स्थापित करेगी ये टीमें, यानी जागरूकता फैलाने की कोशिश और ये बीमारी और कहर ना बढ़ पाए, इसको लेकर लगातार राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। तो कल एक मीटिंग हो चुकी है इस मसले को लेकर। विकास इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, विकास अपडेट कीजिए इस खबर को लेकर। देखिए रीमा, स्वाइन फ्लू का कहर एक बार फिर राजस्थान में दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही सर्दी बढ़ी है उसके साथ ही स्वाइन फ्लू का केस जो है वो सामने आने लगे हैं और इसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, उन्होंने देर रात चिकित्सा महकमे की बैठक बुलाई और बैठक बुला करके पूरे मामले की समीक्षा की, आखिर क्या वजह है और कितने तादाद में मरीज जो है पूरे प्रदेश में सामने आ रहे हैं। हम बात करें पूरे राजस्थान की, तो पिछले एक साल की बात करें तो 218 लोग जो है स्वाइन फ्लू के चलते मौत का ग्रास बन चुके हैं, जबकि 2315 पॉजिटिव केस अब तक सामने आ चुके हैं। और अगर जिलेवार तुलना करें तो जयपुर जिला सर्वाधिक चपेट में है, जहां पर 38 मामले पॉजिटिव आ चुके हैं, 938 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, 924 लोग अब तक पॉजिटिव आ चुके हैं। और तीसरे पायदान पर है जोधपुर, जहाँ पर 26 जो पॉजिटिव केस आ चुके हैं और बात करें 180 के आसपास पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आ चुके हैं। और पूरे देश की बात करें तो राजस्थान जो है पूरे देश में स्वाइन फ्लू के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है, जो कि एक बहुत चिंता की बात है। स्वाइन फ्लू मौजूदा मौसम जो है, जो सर्दी हल्की सर्दी बढ़ती है उसके साथ ही स्वाइन फ्लू का कहर जो है वो बढ़ता है, इसी वजह से सरकार की चिंता बढ़ी है। अगर ये बात करें कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, फिलहाल मौजूदा सरकार तो कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन इसके पहले हमने क्या देखा कि मौसमी बीमारियों की मार यहाँ की पब्लिक ने खूब झेला है और उदासीनता भी देखने को मिली है। लेकिन इस बीच आपने अपडेट किया शुरुआत में ही कि कल रात में एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है, तो इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए सरकार ने काम संभाला है, काम संभालने के साथ ही जिस तरह से संवेदनशीलता लोगों की बीमारियों को लेकर दिखाई जा रही है, काफ़ी उसको कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। खुद चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जो है पहले दिन जब कार्यभार संभालते हैं तो उन्होंने सीधा ये मैसेज दे दिया था कि मौसमी बीमारियों को लेकर के न सिर्फ मौजूदा जो हालात उसको कंट्रोल करने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए, बल्कि भविष्य में जो मौसमी बीमारियां नहीं फैले उसके लिए भी पूरा एक विस्तृत एक्शन प्लान बनाया जाए। उसी के तहत विभाग के अधिकारी जो है वो इस काम में लग भी गए हैं। इस बीच कल जो मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी उसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुई थी इसी बात को लेकर, जो प्रभावित जिले हैं, सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, उन प्रभावित जिलों के अंदर कंट्रोल कैसे किया जाए स्वाइन फ्लू को, और ये जो स्थिति है जो जनवरी का माह जो सबसे खतरनाक माना जाता है स्वाइन फ्लू के लिहाज से, उसमें ये जो बीमारी है वो नहीं फैले, इसके लिए क्या एक्शन प्लान बनाया जाए, उसको लेकर मैसेज उसको लेकर के निर्देश जारी दिए गए हैं। हम बता दें कल जोधपुर के अंदर एडिशनल डायरेक्टर जो है वो खुद संजीव जैन जो वो पहुंचे थे और वहां पहुंच करके उन्होंने जो प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा भी किया। इसके साथ ही जयपुर की बात करें, जयपुर के अंदर भी अब टीमें सतर्क हो गई है, साथ ही स्वाइन फ्लू की रोकथाम के साथ ही जो कल निर्देश दिए गए थे बैठक में उसमें यह कहा गया था कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को ग्रामीण स्तर तक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, लोगों को समझाया जाए कि आखिर स्वाइन फ्लू होता क्या है और स्वाइन फ्लू से बचाव के तरीके क्या हैं। इसके साथ ही जो ज़्यादा प्रभावित इलाके हैं, ज़्यादा प्रभावित जिले हैं, उन जिलों के अंदर SMS की स्पेशल टीमें गठित करके वहाँ भेजी जाएगी और वहाँ के जो चिकित्सक और स्टाफ के लोग जो हैं उनको भी जागृत किया जाएगा, साथ ही उनको प्रशिक्षित किया जाएगा इस बात के लिए कि स्वाइन फ्लू के जब मरीज पहुँचता है तो उसकी सिम्टम्स को कैसे पहचाना जाए, उनको कैसे उनको देखा जाए और साथ ही उनका उपचार किस तरह से किया जाए। क्योंकि हम बात करें पिछले एक साल की और 200 जो लोग मरे हैं, 218 लोग जो मरे हैं,
इस आंकड़े की अगर अंदर की पीछे की बात की जाए तो इनमें से अधिकांश मरीज वो थे जो कि स्वाइन फ्लू होने के बाद में काफ़ी एडवांस स्टेज पर आकर के उपचार लिया, यही वजह थी कि वो उनकी ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि स्वाइन फ्लू में अगर शुरुआती चरण में लक्षण मिलते ही अगर उपचार शुरू कर दिया जाता है, टेमी फ्लू शुरू कर दिया जाता है। शुक्रिया।